डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नूरुल अमीन खट्टर की सरबराही में रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर करक में जश्न आजादी की तकरीब का इनेकाद। करक में जश्न आजादी की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर करक अहमद सेब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर करक सजाद अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर महमूद अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अमानुल्लाह ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नूरुल अमीन खट्टर ने तकरीब में शिरकत करने वाले सारे मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। जश्न आजादी की तकरीब में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नूरुल अमीन खट्टर की सरबराही में रेस्क्यू के अहलकारों ने परचम कुशाई की और सलामी दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नूरुल अमीन खट्टर ने रेस्क्यू के अहलकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आजाद हुआ उसमें हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी कर आजादी हासिल की। हमें यह 14 अगस्त योम आजादी को खुशी के दिन के तौर पर मनाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नूरुल अमीन खट्टर ने योम आजादी की तकरीब में खुशी के मौके पर केक भी काटा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नूरुल अमीन खट्टर की सरबराही में रैली भी निकाली गई जिसमें रेस्क्यू के एम्बुलेंस, फायर व्हीकल, रिकवरी व्हीकल और डिजास्टर व्हीकल ने हिस्सा लिया। जश्न आजादी की तकरीब में वतन अजीज मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान की तरक्की, अमनो अमान और सलामती इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। जहाज़ पे